नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्पित। दर्शकों, रूस लेकर आते हैं हम आपका दैनिक राशिफल। बताएंगे क्या नया होने वाला है आज आपके दिन में, आपका दिन अच्छा होगा, साथ ही क्या लाभ दिलाएगा। साथ ही बताएंगे आपकी परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, क्या करना है आपको आज के दिन को सफल बनाने के लिए, साथ ही क्या कहता है आज का दैनिक राशिफल आप सभी के बारे में, इसे बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। दर्शकों, आप सभी पंडित जी से जान सकते हैं आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल बस कुछ आसान से उपायों के साथ। उसके लिए बस आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। कॉल करने के साथ बस आपको हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है, तो बस देर किस बात की है, उठाइए अपना फोन और कर दीजिए हमें कॉल। चलिए उससे पहले जान लेते हैं आज का दैनिक राशिफल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपके ग्रहों की चाल, आपके सितारों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे क्या कहती है आज के दिन किस्मत आपकी। उसके साथ साथ जानेंगे एक ऐसा पावर मंत्र जो दिलाएगा आपको सभी कष्टों से, सभी पीड़ाओं से, सभी मुश्किलों से मुक्ति, करेगा किसी भी उलझन को सुलझाने में आपकी मदद। बहुत सिंपल सा मंत्र है। तो शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, कुछ नए और अच्छे मौके आज आपको मिल सकते हैं। आने वाले दिनों में सकारात्मक सोच के साथ किसी नई प्लानिंग पर भी काम शुरू हो सकता है। बड़ी योजनाएं बनाइएगा आज के दिन की सफलता के लिए। केले के पौधे की पूजा कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन थोड़ा सा एक्साइटमेंट से भरा रहेगा। जिस काम को आप काफी समय से पूरा नहीं कर पा रहे थे, वही काम आज अचानक बनता हुआ नजर आएगा। पुरानी बातों पर सोचना बंद कीजिए। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों को गेहूं चावल अवश्य खिलाइएगा। बात करते हैं मिथुन राशि वाले जो हमारे दोस्त लोग हैं, आज का दिन आपके लिए स्पेशल साबित हो सकता है। कोई ऐसा सुखद बदलाव, कोई एक ऐसा अच्छा बदलाव जिसे आप काफी समय तक याद रखेंगे, आपकी मेमोरी में रहेगा। खुद के लिए आज आपको थोड़ा समय निकालना है। इट विल बी मच बेटर फॉर यू। आज के दिन की सफलता के लिए बैल को हरी पालक खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, आगे बढ़ने से पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, हंसराज जी हैं। हंसराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जिसके बारे में भी जानना चाहते हैं, उनकी जन्म की तारीख बताइए, जन्म का समय बताइए और सवाल पूछिए। हेलो पंडित जी, नमस्ते। जय श्री कृष्णा। पंडित जी, मेरे भांजे की जन्म 6/5/2001। धीरे धीरे बोलिए। 5/5/6 नमस्ते नमस्ते। तारीख 6/5/2001 5 फरवरी 6/5/2001 बेटा। 6/5/2001 6/6/6/6 मई 2001 6/5/6/5 जी। हंसराज जी, समय बताइए अब। 6/5 महीना सर जी। हंसराज जी, अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए जिससे कि आपको आवाज अच्छे से सुनाई दे। 2001 समय बताएं, समय बताएं। 6/5/2001 समय बता दे बेटा। राहुल और सर लड़की का जन्म है 6/8/2001 पंडित जी, लगता है कि आवाज उन तक प्रॉपर पहुंच नहीं पा रही है क्योंकि टीवी का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है उनके। देखिए, इस बच्ची के बारे में चूंकि आप समय का भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है, और वापस हंसराज जी कोशिश कीजिएगा आपका कॉल लग जाए तो फिर हम डिटेल में बात करेंगे। और वैसे इस बच्ची की जन्म कुंडली बहुत अच्छी है। इसके कुंडली के अंदर सूर्य उच्च का होके बैठा है, चित्रा नक्षत्र का इसका जन्म है, शनि भी इसका मित्र राशि के ऊपर है, साथ साथ में शुक्र इसकी जन्म कुंडली में उच्च का होके बैठा है। शिक्षा के क्षेत्र में बच्ची बहुत आगे जा सकती है, बहुत तरक्की कर सकती है। और उसके साथ साथ में जो सबसे मुख्य बात यह है कि इस बच्ची की जन्म कुंडली के अंदर
बुध शनि और गुरु का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। बुध शनि और गुरु जब साथ होते हैं तो ऐसे लोग बड़े इंजीनियर भी बन सकते हैं, डॉक्टर भी बन सकते हैं, कलेक्टर भी बन सकते हैं। तो इस बच्ची की कुंडली बहुत अच्छी है, इसको थोड़ा सा प्रयास करने की ज़रूरत है, सही दिशा में जाने की ज़रूरत है। उस प्रयास से, उस दिशा से अगर इसको आपने प्रमोट कर दिया कि यस बेटा ये यू कैन डू एंड यू हैव टू डू, निश्चित तौर पे बच्ची आपके परिवार का नाम रोशन करेगी। पंडित जी, अभी के लिए दर्शक और जुड़िए, अजमेर से विजय लक्ष्मी जी है हमारे साथ, अपने हस्बैंड के लिए जानना चाहती हैं। विजय लक्ष्मी जी, विजय लक्ष्मी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। अपने हस्बैंड की जन्म की तारीख बताइए, जन्म का समय बताइए और सवाल पूछिए। हाँ, 30/10/72। पंडित जी 30/10/72। हाँ। समय बताइए विजय लक्ष्मी जी। 7 बजे सुबह के। सुबह के 7 बजे पंडित जी। सवाल पूछिए विजय लक्ष्मी जी, क्या पूछना चाहती हैं? इनका ना मेरे साथ बहुत कम बनता है और ट्रांसफर नहीं हो रहा, मैं 10-15 साल हो गए घर से बाहर ही रह रही हूँ। आपकी तारीख समय बोलिए। और इनके भाइयों से भी कम बनती है। आपके समय, आपका तारीख समय बोलिए। किसका? मेरा तो नहीं है, इनके बारे में पूछना है। क्या पूछना चाहते? चलिए, ऐसा है कि जो विजय लक्ष्मी जी आपने पति की जो जन्म तारीख दी है 30 अक्टूबर 1972 सुबह 7 बजे, जहाँ तक आपके दाम्पत्य जीवन के अंदर उतार चढ़ाव का सवाल है, उसका मुख्य जो जवाब है वो ये है कि आपके पति की जन्म कुंडली के अंदर 2 ग्रह नीच के हैं। एक तो सूर्य नीच का है, दूसरा शुक्र नीच का है। लग्न का मालिक यदि शुक्र नीच का हो जाए तो एक से अधिक स्त्रियों से संबंध करवा देता है, इसमें कोई दो राय नहीं। उसके साथ साथ में सूर्य जब नीच का हो जाए तो पारिवारिक रिश्तों में भी काफ़ी उतार चढ़ाव कर देता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। चंद्रमा की मादशा और शनि का अंतर, आपके हस्बैंड का जो एक विष योग जैसा समय है वो अभी नेगेटिव समय में से निकल रहे हैं। जून 2019 के पश्चात में जब खराब समय होता है तो बुद्धि भी खराब हो जाती है। ये समय जो है अगले वर्ष जून 2019 तक रहेगा, तत्पश्चात में चंद्रमा की मादशा बुध का अंतर आएगा, उस समय के दौरान आप लोगों के रिलेशंस में काफ़ी सुधार होने की संभावना है। यदि आप चाहते हैं कि आपके पति और आपके बीच की अंडरस्टैंडिंग बनी रहे और आप दोनों साथ रहते हैं और अलग अलग नहीं रहते हैं, तो एक बड़ा अच्छा मंत्र हम अक्सर बताया करते हैं और बड़ा चमत्कारिक और अनुभूत मंत्र है, ओम रिम मोहिनी मम पति, उनका नाम पूरा मोहे मोहे ओम रिम स्वाहा। ओम रिम मोहिनी मम पति, उनका पूरा नाम मोहे मोहे ओम रिम स्वाहा। इस मंत्र का यदि आप कंटिन्यूस जाप करते हैं तो आपके पति के मन में आपके प्रति मोह पैदा होता है और जब मोह पैदा होता है तो रिलेशंस भी अच्छे हो जाते हैं। पहला काम तो आपको ये करना है, अगर साथ रह रहे हैं तो रात को सोते समय उनके सिरहाने के नीचे मांग में भरने वाला सिंदूर रखें और खुद के सिराने के नीचे कपूर की टिकिया रखें और फिर अगले दिन सुबह उठ के स्नान करके सिंदूर मांग में भर लें, कपूर की टिकिया बेडरूम में जला दें। 40 दिन ये उपाय कीजिए, आपके पति का निश्चित तौर में आपके साथ में जो संबंध है उसमें काफ़ी सुधार होता हुआ दिखाई देगा। पंडित जी, अभी एक दर्शक और जुड़े हैं हमारे साथ, पवन जी हैं कोटा से, इनकी जन्म की तारीख है 6/2/1995 और जन्म का समय है पंडित जी इनका सुबह का 3:45 का 6 तारीख का। पवन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ 6/2/1995। मैंने अभी जॉब ज्वाइन किया है। ठीक है, प्रश्न पूछिए बेटा आप। तो पंडित जी लगता है कि नेटवर्क में बहुत ज्यादा परेशानी है, 99 बता रहे थे अपनी डेट ऑफ बर्थ। देखिए बेटा, ऐसा है कि आपका नाम पवन बाबू, आपकी जन्म कुंडली के अंदर अगर 99 का बर्थ है, चूंकि कंफर्म नहीं हो सका है, अगर आपका 6 फरवरी 1999 सुबह 3:45 का जन्म है
तो आपकी जन्म कुंडली में अभी 18 साल की राहु की महादशा चल रही है। ये राहु की महादशा सन 2023 में खत्म होगी। तत्पश्चात में आपको गुरु की महादशा शुरू होगी। आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय, भी तो आप बहुत छोटे बच्चे हैं, ज्यादा बड़े भी नहीं हैं। देव गुरु ब्रह्मा बृहस्पति एजुकेशन हाउस में स्वग्रही होकर बैठे, मेरा आपसे एक सजेशन ये रहेगा कि अपनी स्टडी को मत छोड़िएगा, क्योंकि आपकी स्टडी हाउस के अंदर गुरु स्वग्रही है। मैनेजमेंट के सेक्टर में आप काफ़ी आगे जा सकते हैं। गवर्नमेंट कंपटीशन की तैयारी करें तो सरकारी नौकरी भी आपको मिल सकती है। आपकी जन्म कुंडली में अगर कोई चीज़ खराब है तो वो है शनि। शनि आपकी जन्म कुंडली में नीच का है। कोई ग्रह नीच का होता है तो नकारात्मक परिणाम देने लगता है, तो शनि को ठीक करने के लिए शनिवार के दिन आपको सुंदरकांड का पाठ करना है। प्रतिदिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। काले और नीले रंग से अपने आप को दूर रखना है। हर रविवार को भैरव जी के मंदिर दर्शन करेंगे, दाल की कचौरी दही इमरती चढ़ाएंगे। एक राहु की शांति के लिए गोमेद रत्न आता है, वो मध्यमा उंगली में 1.25 रत्ती का धारण कर लेंगे चांदी के अंदर रविवार के दिन। बाकी जन्म कुंडली बहुत अच्छी है और आप प्रयास कीजिए, आपको सफलता प्राप्त होगी। तो चलिए दर्शकों भी आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं आज क्या कुछ खास होने वाला है कर्क सिंह और कन्या राशि वाले सभी जातकों के लिए। बात कर लेते हैं हमारे जो कर्क राशि वाले जो दोस्त लोग हैं, आज का दिन अच्छा निकलेगा। दिल में कोई बात है, कोई नया दिमाग में आइडिया है, तो उस दिल की बात को सुनिए। वो जो दिमाग का नया जो आइडिया है उसको समझने का प्रयास करें और फौरन आगे बढ़े, फायदा जरूर होगा, मनोवांछित धन लाभ भी होगा। और आज अपने जीवन साथी की, अपने लाइफ पार्टनर की बातों को गौर से सुनने समझने का प्रयास कीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए विष्णु मंदिर में इत्र चढ़ाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि है सिंह राशि, आज का दिन आपके लिए अच्छा है। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़ें, अपनी ज़्यादातर कोशिशों में आज आप सफल हो सकते हैं। नौकरी या करियर में बदलाव के बारे में भी विचार कर सकते हैं। आज के दिन की सफलता के लिए छोटी कन्या को कुछ मीठा खिलाएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपका व्यस्त रहेगा, बिजी रहेगा, दिमाग से किए गए काम का फायदा होगा और खुशी भी होगी। जब कोई काम सक्सेसफुली डन हो जाता है तो नेचुरल एक चेहरे के ऊपर एक मुस्कुराहट आ जाती है। आज आप अपनी छवि पर, अपनी पर्सनैलिटी पर, अपने आप के ऊपर ध्यान जरूर दीजिएगा। बाकी लोग क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट ना करें, इट विल बी बेटर फॉर यू। आज के दिन की सफलता के लिए धनिया और हरी सब्जी का सेवन कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। तो दर्शकों फिलहाल के वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मचाएगा जल्द हाजिर होते हैं।